आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला घर की छत से छलांग लगा बैठी। घटना के वक्त परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे, तभी पड़ोसियों की आवाज सुनकर बाहर आए तो महिला खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली। परिजनों ने आनन फानन में महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना सुबह तकरीबन 7 बजे सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पांडेन टोला मोहल्ले की है, जहां महिला घर के छत से छलांग लगा दी है और वहां हड़कंप मचा हुआ है। घटना के संबंध में मृतका कंचन जायसवाल के देवर मदन जायसवाल ने बताया कि आज सुबह 7 बजे कंचन ने घर की छत से छलांग लगाई है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर के सभी लोग सो रहे थे, तभी पड़ोसियों द्वारा दी गई जानकारी के बाद जब परिवार के लोग बाहर आए तो वह लहूलुहान हालत में पड़ी थी। परिजन द्वारा आनन फानन में महिला को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि कुछ समय से महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। बताया जाता है कि महिला 3 बच्चों की मां है। अब महिला ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इस बात की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस के द्वारा परिजनों का बयान भी लिया गया है, साथ ही महिला के संबंध में आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। भाभी लगती है, वो सुबह छत से कूद गए, मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं, मानसिक कैंसर का है, कुछ नहीं, उनके 8-10 साल से मानसिक स्थिति खराब थी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। जी सर, आज सुबह सामने वाली बताई, तब हम लोग बाहर आए, खून से लथपथ पड़ी थी, फिर लेके आए हॉस्पिटल। उस समय आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो सर घर में थे, सो रहे थे, पति भी सो रहे थे, 7:15 बजे की वारदात।